वॉइस वॉर्म दी वॉल पास्ट पेपर डिस्कशन. सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा हुआ क्रिटिकली एग्जामिन द थीमेटिक कंसर्न इन एमी टेन शॉर्ट स्टोरी द वॉइस वॉर्म दी वॉल. थीमेटिक कंसर्न्स जी इसमें क्या क्या थे, कौन कौन सी मेन थीम्स थी, ये बेटा मैंने ऊपर पॉइंट्स लिखे हुए हैं इसके. बेटा ये मैंने इसके कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं आपके पास पेपर के साथ ही. ये मेजर कैरेक्टर्स आ रहे हैं और इसमें जो थीमेटिक कंसर्न क्रिटिकल क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल. ठीक है, टाइटल का क्वेश्चन आया हुआ है, बार बार आया हुआ है. ये बेटा इसके पॉइंट्स मैंने लिख दिए और डिटेल्ड क्वेश्चन का आंसर मैं अभी आपको शेयर कर देती हूँ. टाइटल ने क्या रिप्रेजेंट करता है कि व्हाट हैपेंस इन द स्टोरी. लीना हियर्स वॉइसेस फ्रॉम द वॉल, द वॉइस दैट शी हियर्स आर कमिंग फ्रॉम द नेक्स्ट रूम neighbor apartment. She hears them arguing all the time and imagines that the mother is killing her daughter when in reality they are only having a confrontation. आम उनकी आपस में बात हो रही थी लेकिन उसको क्या होता है कि वो ये समझती है कि पता नहीं क्या हो रहा है. ठीक है, तो हाउ इज द स्टोरी टोल्ड, हु इज द नैरेटर, व्हाट पर्सपेक्टिव इज यूज्ड, व्हाट इज द टोन ऑफ लैंग्वेज, इज नैरेटर रिलायबल. ठीक है, इस द स्टोरी इज टोल्ड फ्रॉम लीनास पर्सपेक्टिव इन द फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू. ये बेटा इसके शॉर्ट क्वेश्चन लिखे. Lena is the narrator of the story and her tone of language varies as the story goes on. In the beginning, her tone of language is mysterious and creepy. Eventually, that tone changes to her. Eventually, that tone changes to her being worried and in the end, her tone is happy. In our opinion, we do think that the narrator is reliable because she tells the story from her point of view and how she sees everything. ठीक है, हमारे opinion के मुताबिक हमें ये लगता है कि narrator जो है वो reliable है क्योंकि वो story सुनाती है from her point of view और वो किस तरीके से हर चीज को देखती है, उसकी माँ उसको क्या समझाती है और वो खुद क्या देखती है. Look closely at the opening and end and ending. On what does the author and narrator focus? In both in the beginning and end of the story, the author and narrator focus on the death of the people around them. ठीक है, mostly वो किसके ऊपर, worst of the things के ऊपर actually focus कर रहे होते हैं. In the beginning, it was death of the beggar. In the end, it was the death of the baby. And Lena imagining her next door neighbor killing each other. वो death के बारे में ही सोचते रहते हैं. ठीक है, हाउ डज द सेंट्रल कैरेक्टर ट्रांसफॉर्म इन द स्टोरी. सेंट्रल कैरेक्टर लीना का था जो कि स्टोरी सुनाती है. लीना गोज फ्रॉम बीइंग दिस स्केरी गर्ल टू समवन हु रियलाइज द बिगर थिंग्स इन लाइफ. लीना बेसिकली एक स्केरी गर्ल थी, अपनी मदर की तरह डरती थी, जिंदगी के एक्सपीरियंसेस से डरती थी. लेकिन फाइनली क्या होता है कि वो ये सीख जाती है कि जिंदगी जो है उसमें एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ आपने कैसे जीना है आफ्टर शी गोज थ्रू सर्टेन थिंग. ठीक है, एंड मजे की बात बताऊं, जो लीना का पर्सपेक्टिव है शायद वही मेरा पर्सपेक्टिव है. मुझे ऐसे लग रहा है दिस इज माय स्टोरी जो कि लीना सुना रही है. ठीक है, लिटरली मुझे ऐसे लग रहा है कि ये लीना की स्टोरी शायद मेरी स्टोरी है. तो मैं भी शायद यही कहूंगी कि जो लीना का पर्सपेक्टिव है कि बजाय इसके कि हम अपने बड़ों की जो एक वो होते हैं ना, उनका खौफ होता है, डर होता है, स्पेशली खवातीन के अंदर ये बड़ी एक प्रॉब्लम होती है कि उनकी लाइफ बड़ी अच्छी गुजर रही होती है लेकिन रहती वो ही पास में ही है. उनको अच्छा मिल भी जाता है लेकिन वो अपने ही पास में. आप कभी किसी औरत को जरा थोड़ा सा अपना दुख बता दें, ठीक है, वो फौरन से शुरू हो जाएगी, बेशक उसके साथ हुआ है कि नहीं हुआ हुआ, वो जी मेरे साथ भी हुआ था, पता है वो ये था, हालांकि वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी. लेकिन क्या होता है कि उनको सिर्फ अपने दुखों से वो निकलेंगे तो उनको किसी और का दुख. भाई आपको एक बंदा अपनी अपना प्रॉब्लम बता रहा है बजाय इसके कि आप उसका प्रॉब्लम सुन लो जो कि प्रेजेंट में है और ऑब्वियसली आपके साथ 20 साल पहले ऐसा हुआ होगा लेकिन अब तो एवरीथिंग इज गुड ना, तो एटलीस्ट आप उसके सर पे एक सिंपैथी का हाथ ही रख दो भाई. लेकिन वो 20 साल बाद भी वही बैठी होती है. ऐसी चेंज शुरू होती है कि ऐसी औरतों को समझाना मुश्किल हो जाता है कि अम्मा जी अब तो चुप कर दें. ठीक है, वो चुप करती नहीं है, वो जो स्टोरी शुरू होती है ना वो बस ऐसी कोई हॉन्टेड स्टोरी होती है ना कि वो निकल ही नहीं सकती. द मेजर थीम ऑफ द स्टोरी ओपनिंग यूर आईज टू सी द ट्रूथ ऑफ रियलिटी. और मेजर थीम ऑफ द स्टोरी क्या है कि हमें ओपन करनी है अपनी आईज कि हम ट्रूथ ऑफ रियलिटी देखें, हम रियलाइज करें जिंदगी को
जिंदगी में बेसिकली उसका क्या मकसद था कि वो वे ऑफ लिविंग बताना चाहती थी। आप माइनॉरिटी में हैं, आप एक औरत हैं, एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, आपने डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ जिंदगी कैसे गुजारनी है, आपने एक पॉजिटिव जिंदगी कैसे गुजारनी है, वो इन सब चीजों के बारे में बात करती है। अच्छा जी, आर देयर एनी अल्यूजन इन द स्टोरी दैट कुड ऐड मीनिंग टू योर इंटरप्रिटेशन? कुछ ऐसी अल्यूजंस हैं? वन अल्यूजन दैट वी फाउंड इन द स्टोरी वाज हाउ हर मदर केप्ट मेकिंग रेफरेंसेस टू हर मीटिंग अ बैड मैन। ठीक है, एक अल्यूजन, अल्यूजन क्या होती है? अल्यूजन एक स्टोरी होती है बेसिकली जो कि इंसान खुद बनाता है। तो अल्यूजन जो हम स्टोरी में देखते हैं वो क्या है कि किस तरीके से वो एक बैड मैन के साथ जो है वो मीटिंग के रेफरेंसेस देती रहती है, एंड हैविंग अ बेबी दैट शी डिड नॉट वांट, और एक ऐसा बेबी जो कि वो नहीं चाहती थी। आई थिंक दैट दिस वाज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ हर वार्निंग हर डॉटर टू बी केयरफुल ऑफ द पीपल शी मीट्स एंड हैंग्स अराउंड बिकॉज देयर आर सो मेनी इवल पीपल इन द वर्ल्ड। और वो क्यों ऐसा सुनाती अपनी बेटी को कि भाई लोग जो है वो इतने ईवल होते हैं, तो जो उसके साथ हुआ कहीं वो उसकी बेटी के साथ ना हो। ठीक है, ये भी वॉइसेस फ्रॉम द वॉल है। ठीक है, अनदर इल्यूजन इन द स्टोरी वाज व्हेन लीना सेड दैट हर फादर डिड नॉट सी थिंग शी सॉ व्हेन हर मदर बिकेम प्रेग्नेंट। ठीक है, लीना ये कहती है कि उसके फादर जो है उसने वो चीजें नहीं देखी जो कि उसने देखी है जबकि उसकी मदर प्रेग्नेंट होती है। हर मदर बिगेन टू बम इनटू थिंग्स इनटू टेबल एजेस एज शी फॉरगॉट हर स्टमक कंटेन लवली, और उसकी मदर जो है अपने मतलब बम करना शुरू कर देती है चीजों में, स्टक करती है अपने आप को इनटू टेबल एजेस और टेबल एजेस में जाके लगना शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि वो भूल जाती है कि उसको वो शी इज प्रेग्नेंट एज इफ शी वर हेडेड फॉर ट्रबल इंस्टेड, जैसे वो खुद से तैयार हो कि भाई उसने अपने आप को एक ट्रबल देनी है। शी डिड नॉट स्पीक ऑफ द जॉय ऑफ हैविंग अ न्यू बेबी, वो बजाय इसके कि शी वॉज प्रेग्नेंट और वो जॉय ऑफ बेबी को एंजॉय करती, शी टॉक अबाउट हैवीनेस अराउंड हर, उसको अपनी बाहर की हैवीनेस के बारे में वो बातें करती रहती है, अबाउट थिंग बींग आउट ऑफ बैलेंस। ठीक है, अबाउट थिंग बींग आउट, और वो हमेशा ऐसी चीजों के जो आउट ऑफ बैलेंस होती है चीजें उनके बारे में वो बात करती रहती है। We interpret this as a way of Lina's mother showing that she has a baby that she did not want because she was doing everything to endanger the health of the baby. ठीक है, actually उसकी mother जो हम interpret करते हैं as a way of Lina's mother, वो ये show कर रही थी कि वो बच्चा चाहती नहीं थी। She was doing things to endanger the health of the baby. हर किसी भी तरह से उसको वो बच्चा जो है वो उसके उसकी health के साथ को वो endanger कर रही थी। Once the baby was born, it did not live because it had no brain. ठीक है, वो नहीं बच सका क्योंकि उसका ब्रेन ही नहीं था। आई गेस दिस मीन दैट हर मदर हैज कॉज्ड दिस बाय बम्पिंग इनटू द टेबल एजेस, क्योंकि वो टेबल एजेस में अपने आप को बम करती थी, इस वजह से ऐसा हुआ। फिर क्वेश्चन है जी, व्हाट आर द सिंबल और अदर फिगरेटिव एलिमेंट इन द स्टोरी? द ओल्ड वुमन ऑन द स्ट्रीट वॉज अ सिंबल ऑफ व्हाट वुड हैपन टू लीना इफ शी एवर मेट अ बैड मैन एंड हैड अ बेबी दैट शी डिड नॉट वॉन्ट। Her father promotion could be thought of as a symbol of them being able to begin a new life from one they had in Auckland. ठीक है, उसके father की promotion जो है वो एक और एक symbol होती है कि भाई वो new life गुजार सकते हैं। अच्छा जी, what seems to be author primary goal purpose in writing this short story? The primary goal purpose in writing this story is to show how some people let imaginations run wild. कि कैसे लोग जो हैं अपनी लेट द इमेजिनेशन रन वाइल्ड, इमेजिनेशन उनकी इस हद तक वाइल्ड हो जाती है। ठीक है, परसेप्शन, वो कहते हैं ना इंसान दिमाग का गुलाम और दिमाग का बादशाह होता है। आपकी परसेप्शन भी रॉन्ग है तो आप क्या आप आगे जिएंगे? आप अपनी इमेजिनेशन को इतना वाइल्ड लेड कर देते हैं। और सेम इज द केस विद हर मदर। ठीक है, वो चाइना से अमेरिका आ गई, वहां का एक ब्यूटीफुल लाइफस्टाइल था, बट शी कैन नॉट इवन लेट हर वाइल्ड इमेजिनेशंस के वो उन वाइल्ड इमेजिनेशंस से कभी एस्केप नहीं कर सके। ठीक है, वो अमेरिका आने के बावजूद उन वाइल्ड इमेजिनेशंस में ही रही। दे अलाउ देमसेल्व्स टू बिलीव थिंग्स दैट आर ओनली पिगमेंट्स ऑफ देयर इमेजिनेशन although they know that it is more than likely not even true, aur wo apne aap ko allow karte hain ki wo un cheezon pe believe kare that are only figments of their imagination.
जो उनकी इमेजिनेशन के गिर्दी घूमती रहती है भाई, वो अपनी इमेजिनेशन के अलावा कोई बात सुनना पसंद करते ही नहीं है. Although they know it is more than likely not even true. Although उनको खुद भी पता होता है कि भाई ये कोई imagination, कोई इतनी true imagination नहीं है. उसके बाद है, what is your reaction to story? How does your reaction influence your reading? ठीक है, आपका reaction to story क्या है और आपका influence to your reading? Our reaction to story was that both of us were left feeling kind of confused in that. और हमारा reaction to story क्या है? के both of us were left feeling kind of confused in that. के दोनों ही हम जो है at the end confused रहे. कौन? Reader and the writer. के भाई end क्या होना चाहिए? We had sense of what happened in the story, but we were left wondering why the author and narrator consistently seemed to want to focus on the letting her imagination run wild. क्यों वो जो है इस पे focus करते रहे? कौन दो थे? एक तो author थी. ऑथर कौन थी? हमारी ये जो एमी टेन थी, ठीक है, और जो नैरेटर थी वो कौन थी? वो लीना थी. ठीक है, अब क्यों ये दोनों जो है फोकस करते हैं ऑन लेटिंग हर इमेजिनेशन रन वाइल्ड? सर्टेन पॉइंट इन द स्टोरी मेड इट हार्ड टू कॉम्प्रीहेंड एंड ओवरऑल इट वाज सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन. ठीक है, ये बेटा छोटी सी एक समरी है, ये मैंने की पॉइंट्स लिखे हैं, ये कैरेक्टर्स हैं, ये टाइटल की थोड़ी सी सिग्निफिकेंस, बट छोटे छोटे मीनिंग्स इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं. इसको एक दफा पढ़ लीजिएगा. आर्ट ऑफ नरेशन मैंने यहाँ पे बता दिया है, ऑटोबायोग्राफी है, फर्स्ट पर्सन में बताई गई है, डिस्क्रिप्टिव टोन है. थीम यहाँ पे अभी हमने थीम वाला क्वेश्चन देखा था. द थीम ऑफ द स्टोरी इज दैट वन शुड नेवर फोकस ऑन द वर्स्ट पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द थिंग्स, बट दे शुड ट्राई एंड टेक केयर ऑफ द थिंग्स दे हैव. कि इंसान को वर्स्ट पे फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि किसके ऊपर फोकस करना चाहिए जो कि उनके पास है. फॉर एग्जाम्पल, द नैरेटर्स मदर वॉज टू फोकस ऑन समथिंग बैड हैपनिंग दैट शी डिड नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन टेकिंग केयर ऑफ हरसेल्फ व्हाइल बीइंग प्रेग्नेंट, बट इंस्टेड शी वॉन्ट ऑल अराउंड बंपिंग इनटू थिंग व्हिच मोस्ट लाइकली टू लेट द डेथ ऑफ द बेबी. बाकी बेटा सिंबल्स हमने अभी डिस्कस कर लिए हैं, फोकस भी और ये सारा. ठीक है, ये बेटा नीचे आपके क्वेश्चंस हैं. थीमेटिक कंसर्न बेसिकली यही था कि हमें कंसर्न करना है, फोकस करना है वाइल्ड के ऊपर नहीं, बल्कि जो है हमें बेस्ट के ऊपर कंसर्न करना है. फिर गिव अ कंपैरिजन स्टडी ऑफ वॉइस बाय पिक्चर एंड वॉइस फ्रॉम द वॉल बाय एमी टेन. अच्छा जी, हाउ इफेक्टिव डज एमी टेल द वॉइस फ्रॉम द वॉल इनसाइड टू इमिग्रेंट्स एक्सपीरियंस ऑफ अलायनेशन. बेसिकली ये कहानी घूमती है इमिग्रेंट्स एक्सपीरियंसेस के ऊपर. जो इमिग्रेंट्स होते हैं, जैसे लाइक यहाँ पे अगर एमी टेल की भी हम बात करें तो ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है. ठीक है, उसके अंदर मदर डॉटर रिलेशनशिप बताया गया है, लेकिन दैट इज एमी टेल हरसेल्फ वाज अ चाइनीज अमेरिकन ऑथर फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को. इसकी मदर जो थी वो चाइनीज थी और उसका जो फादर था वो एक आयरिश मैन था, बहुत लविंग एंड केयरिंग हस्बैंड भी था और फादर भी था. लेकिन जब एमी टेन की जो मदर होती है, फॉर एग्जांपल लीना की जो मदर होती है, जिसका नाम बेसिकली चाइनीज नेम उसका यिंगयिंग होता है, जिसको बेटी क्लेयर भी हम पूरी स्टोरी में कहते हैं, जब वो एक्चुअली चाइना से आती है अमेरिका, तो एक्चुअली वहां पे एक इमिग्रेंट जो है, वो जो एक माइनॉरिटी जो है, वो वहां जाके जो इश्यूज फेस करती है, फॉर एग्जांपल सबसे पहला इशू लैंग्वेज का होता है, नंबर टू कल्चरल क्लैश का होता है, नंबर थ्री उनकी जनरेशन जाके अमेरिका में पैदा होती है, खुद वो चाइनीज होते हैं, तो वो एक जनरेशन गैप आ जाता है. तो इमिग्रेंट्स एक्सपीरियंसेस में, जैसे अभी हमने लास्ट जो हमारा जो नॉवल था हमने पढ़ा था, द मैन ऑफ द क्राउड, ठीक है, और सॉरी मैन ऑफ द क्राउड नहीं था वो, माई सन द फैनेटिक, My Son the Fanatic by Hanif Qureshi, उसका भी सेम जो हमने वहाँ पे जितनी इमिग्रेंट्स की जो पढ़ी थी प्रॉब्लम्स हमने पढ़े थे, सेम वही इमिग्रेंट्स एक्सपीरियंस ऑफ अलायनेशन जो है यहाँ पे. एक्चुअली जो लीना की जो मदर होती है क्लिफोर्ड क्लेयर, वो एक्चुअली एक आइसोलेटेड पर्सनैलिटी हो जाती है, वो वहाँ की लैंग्वेज समझ नहीं सकती, उसको लगता है ये सब लोग जो है वो एलियंस हैं या वो खुद एलियन है. That's why जो है वो society के अंदर जो है actually adjust नहीं कर पाती. Although वो society good होती है,
लेकिन ऑन द अदर हैंड लीना जो होती है वो सोसाइटी को समझती है, वो सोसाइटी का पार्ट होती है, वो वहां पे पैदा होती है, वो वहां पे जीना सीख जाती है। लेकिन जो इमिग्रेंट्स होते हैं वो बाज़ औक़ात वहां पे जीना नहीं सीखते, वो वक्त के साथ नहीं बदलते, वो माहौल के साथ नहीं बदलते। तो यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है दैट इज द बेटी क्लेयर कैरेक्टर, जिसको हम यिंगयिंग भी कहेंगे, उसका कैरेक्टर होगा बेटा जिसके गिर सारी कहानी घूमेगी। सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल द वॉइस फ्रॉम द वॉल बेटा ये अभी हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ तक अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बेटा वो मेरे से पूछ लीजिएगा। एनी क्वेश्चन क्लास, कुजमा, फोजिया, एनी क्वेश्चन बेटा?